जब दीक्षा से मिला पहली बार तो कुछ 10 डेज़ के बाद मिले थे हम। पहले हमारी फ़ोन पे बात होती थी, तो जब उससे फ़ोन पे बात होती थी तो काफ़ी कनेक्शन फील हुआ उसके साथ। एक्चुअली मेरा खुद का नेचर ऐसा है कि मैं लोगों से कम ही मिलता जुलता हूँ उस वे में, बट जब उससे बात हुई तो एकदम से एक अलग सा कनेक्शन फील हुआ, काफ़ी कंफर्टेबल हो गया काफ़ी जल्दी उसके साथ। जो लाइफ को देखने का नज़रिया है, काफ़ी इन्जॉय करती है लाइफ को, जो कि काफ़ी ज़रूरी है लाइफ का एक एलिमेंट कि तुम्हारे अंदर होना चाहिए, लाइफ को इन्जॉय करो साथ में। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, उसकी एम्पथी जो है इसके अंदर, वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। सांसों में सांसें होती है कम, जब भी होता है तो मुझसे दूर धड़कन, ये मेरी है सिर्फ तेरी, कैसे बना मैं करूं, कितना है प्यार। ज़्यादा केयर फ्री है ऐसा बोल सकता हूँ, जो अच्छी बात भी है, और अच्छी बात उसको मैं ज़्यादा पॉजिटिव लूँगा, बट कुछ सिचुएशंस में वो चीज़ थोड़ी अवॉइड की जा सकती है, जो वो करती भी है। एक ही, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी केयरलेस हूँ, कई बार आप बोल देते हो, बट मैं नहीं हूँ। मैं हर चीज़ को नोटिस करती हूँ, एंड मैं ये चीज़ें सारी, जो चीज़ें अगर आपको लगता है कि मैं नहीं समझती हूँ, मैं समझती हूँ, और मैं हमेशा ही हर चीज का ख्याल रखूंगी। देखूं मैं तुझे आते जाते, नजरें छुपा के सोचूं मैं तुझे, यूं ही लफ्जों में तुम्हारी सुना था, ये मैंने जो चाहो कर दिल से कायनाते, ये लग जाती है मिलाने में उनको, जुड़े हैं जो दिल से, कैसे बयां मैं करूं, कितना है प्यार। उसकी पर्सनैलिटी है, जो भी उसका ऑरा है, उस चीज़ को मेंटेन रखे, सबको खुश रखती है आसपास, वो चीज़ हमेशा रखे, हंसती खेलती रहे। पॉजिटिव पर्सनैलिटी में बोल सकता हूँ, हमेशा खुश रहती है, सबको खुश रखती है आसपास, ये उसकी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी लगती है कि हम दोनों को घूमने का बहुत शौक है, मुझे भी घूमने का बहुत शौक है, उनको भी घूमने का बहुत शौक है, नई नई जगह एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक है, तो ये चीज तो हम कंटिन्यू रखेंगे लाइफ टाइम। जब कभी